बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वली ऑटोमोटिव सर्विस में शामदीद। आज जी हमारे पास वेड्स टोयोटा की वेड्स है जी। ये 2006-07 मॉडल है और इसमें जो है जी चेक लाइट आ रही है। इसमें जो आ रहा है जो P1579 एक्सेलरेशन सेंसर लर्निंग वॉल का, ठीक है जी। इसको हम पहले क्लियर कर लेते हैं। बैटरी का भी आ रहा है, बैटरी को जो नेगेटिव का जो सेंसर है वो ख़राब है, ठीक है। हम क्लियर कर लेते हैं इसको, ठीक है। क्लियर कर लिया हमने, अब हम जाएंगे इस पर स्पेशल फंक्शन में, उसमें ज़ीरो पॉइंट कैलिब्रेशन करेंगे हम, ठीक है। उस पर क्लिक करेंगे, ओके करेंगे। गाड़ी आपकी ये ख्याल रहे, गाड़ी आपकी बिल्कुल सीधी होनी चाहिए, ठीक है। ड्राइविंग मोड में होनी चाहिए, मतलब इसके बाद आपने ड्राइव करनी है। क्लियर करने के बाद, कैलिब्रेशन करने के बाद, ठीक है, ओके कर दिया जी हमने। वो कह रहा है जी इंजन ऑफ होना चाहिए, ब्रेक अप्लाई होनी चाहिए और आपका इग्निशन ऑन होना चाहिए। ओके कर देंगे आप, ये जी होगी हमारी, ओके करेंगे। ये बेसिकली ना ये कोड तब आता है जब आप रिवर्स लगाते हैं ना, तो ये कोड दोबारा आ जाता है, चेक लाइट आ जाती है, ठीक है। हम रिवर्स लगा के चेक कर रहे हैं, ये दोबारा नहीं आ रही, चेक लाइट नहीं आ रही, ठीक है। अब इसको हम दोबारा इसको चेक करेंगे, DTC इसका दोबारा तो नहीं आ रहा कोई, दोबारा इसको चेक करेंगे। बैक जाएंगे, चेक लाइट नहीं आ रही इसकी, ठीक है। ये वो बैटरी का आ रहा है, जो बैटरी का सेंसर है वो ख़राब है, इसका टूटा हुआ है, ग्रिप उतरा हुआ है इसका, और ये हमारा बिल्कुल ठीक है। अब हम इसको ड्राइव करेंगे थोड़ा सा, अगर ये कोड आपका आए P1579 एक्सेलरेशन सेंसर लर्निंग वॉल का, तो इसका तरीका कार ये है कि आपने पहले इसके कोड क्लियर करने हैं, उसके बाद आपने इसकी ज़ीरो कैलिब्रेशन करनी है, ठीक है, स्पेशल फंक्शन में जाके, ठीक है। अब थोड़ी सी ड्राइव कर लेंगे, उसके बाद हम कस्टमर को ये गाड़ी दे देंगे, ठीक है जी। यह बिल्कुल ओके है जी।